राजस्थान की रहने वाली सुमन राव ने मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम में सितारों से सजी महफिल में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी आयोजन में बिहार के श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीता। छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने शनिवार को ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले के दौरान फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता। मिस इंडिया बनी कॉलेज छात्र 20 वर्षीय सुमन थाईलैंड में होने वाली मिस वर्ल्ड 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सुमन ने कहा, जब आप खुद को जीवन में एक विशेष लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं तो आपके शरीर की नस नस आपकी जीत के लिए उस दिशा में काम करना शुरू कर देती है। फिल्म मेकर करण जौहर और एक्टर मनीष पॉल ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया। प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, चित्रगंधा सिंह, फैशन डिजाइनर फाल्गुनी सेन पीकॉक और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री आदि शरीक हुए। कार्यक्रम के दौरान कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और मौनी रॉय जैसी फिल्म सितारों ने अपने डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को मनमोहित कर दिया। असल 24 न्यूज़ से चांदनी सिंह की रिपोर्ट।